Om Vishnu Ve Namah. बार बार ऐसे डरती है कि हमारी हंसी रुकने का नाम ही नहीं लेती। दासी माँ, आप मुझसे इतना डरती क्यों हैं? या मैंने आपके ऊपर विश्व उकारा? नहीं ना, मुझे जाने दो। माँ रानी की पूजा का प्रबंध करना। हाँ, जाइए ना। दासी माँ जाइए ना। इन्हें जाने दे कालिया। ये आप क्या कह रहे हो दक्षक भैया? ये तो खिलौना है हमारा। ना आप स्वयं खेलते हो, ना हमें खेलने देते हो। आप जाइए। इस और एक और द्वार है, वहां से चले जाइए। खेलना है तो ऐसे खेलो कि खिलौने को पता ही ना चले कि उसके साथ कौन खेल गया। इस पूरे विश्व में केवल एक ही स्थान है जहां आप से सुरक्षित रह सकती हैं। तख्तू
और धूमल का उधर। गरु रुक जा, क्या कर रहा है तू? ये भाई है तेरे। जब भाई अपना कर्तव्य भूल जाए तो उन्हें उनके कर्तव्य स्मरण कराना मेरा अधिकार है माँ। वन में विचरण करने से सियार सैनी बन जाता और राजकुमारों के कक्ष में आने से दासी पुत्र भाई नहीं कहलाता। कौन से अधिकार की बात कर रहे तू? न्याय का अधिकार। आज मैं तुम सबको न्याय का दर्पण दिखाऊंगा। अपनी विषैली शक्तियों पर बहुत अभिमान है ना तुम सबको? आज उसी अभिमान का अंत करूंगा मैं। तुम्हारे विश्व गढ़ने के सामर्थ्य को नष्ट कर शक्तिहीन बना दूंगा मैं तुम सबको। और फिर तुम सब सब के सब मिलकर भी मुझे रोक नहीं पाओगे। आपके पुत्रों के प्राण संकट में है माँ। ये गरुड़ हमें मारना चाहता है। अब आप ही हमारी प्राण रक्षा कर सकती है माँ, बचाइए हमें। हाँ बचाइए। हटिए माँ, ये आप क्या कर रही है? जो प्रतिदिन प्रतीक्षण आपका पान करता है आप उसी की ढाल बनना चाहती है? हटिए माँ। जो चाहते हो वो कर गरुड़, जा यहाँ से। मैंने तुझे बुलाया, सहायता मांगी तेरी, नहीं ना तू क्यों चला आया यहाँ? महारानी आती होंगी तो तू जा यहाँ से। तू सुन क्यों नहीं रहा गरुड़? जा यहाँ से। तो फिर अभी चलिए मेरे साथ। बिना आज्ञा के नहीं जा सकती मैं, दासी हूँ मैं। पुत्र हूँ मैं आपका। यूं संकट से गिरा छोड़ अपनी सुरक्षा के लिए चला जाओ। इतना निर्लज्ज नहीं हूँ मैं माँ। गरुड़ बस। जो प्रतिदिन अपनी माँ को महल के बाहर छोड़कर जाता हो ताकि वो दासी बनकर हर दिन दूसरों की सेवा करती रहे, ये निर्लज्जता नहीं तो और क्या है?
रुक जाओ। बड़ी माँ। महारानी, इस महल की महारानी हूं मैं। महारानी, आपके पुत्रों ने अभी मेरे पुत्र स्वामी है तेरे। क्या चाहती थी तू? एक बुद्धिमान आज्ञाकारी पुत्र, तेरे विष्णु भगवान ने तो तेरी इतनी सी प्रार्थना भी नहीं सुनी। ना तो ये बुद्धिमान है कि इतने दिनों में ये समझ पाता कि एक सेवक को अपने स्वामी के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, और ना ही आज्ञाकारी, अन्यथा इसे स्मरण रहता किसका स्थान इस महल के अंदर नहीं बाहर है। सूखी भूमि पर कंकड़ पत्थरों के बीच में केवल स्थान ही नहीं, अपनी सीमा भी भूल गया है ये मां। इस दासी पुत्र ने हम पर आक्रमण किया। हाँ, इसके कारण हमें भी अपना दूध छोड़ के इधर उधर भागना पड़ा। किंतु दोष तो हमारा ही था ना तक तू। हाँ, हम छोटी माँ को हम दासी माँ को डरा रहे थे। किंतु सत्य ये नहीं है ना तक तू। सत्य तो ये है कि वो सब काले भाई ने प्रारंभ किया था। हाँ, और तक्षक भैया ने भी इनका साथ दिया था। मैं तो केवल खेल रहा था माँ, जाने कहां से ये दासी पुत्र बीच में आ गया। पता नहीं कौन सा द्वेष है इसके मन में, जो बिना उकसावे के हमें तंग करने का इतना प्रयत्न कर रहा है। मैं तुम्हें तंग करता हूं या तुम सब मिलकर मेरी माँ को भयभीत करते रहते हो? क्या कर रहा है करुण, चुप हो जा। जो मेरी माँ का अपमान करेगा मैं उसका सम्मान कभी नहीं कर सकता। और यदि तुम लोगों ने फिर यह पाप करने का दुस्साहस किया तो पाताल की अंतहीन गहराइयां भी तुम सबको मुझसे बचा नहीं पाएगी। स्मरण रहे, स्मरण रहे।
शांत हो जा पुत्र, शांत। महारानी मेरी बड़ी बहन है, तेरी बड़ी माँ है, इन्हें आदर और सम्मान तुझे देना ही चाहिए जैसे तू मुझे देता है। देख क्या रहा है, दृष्टि नीचे कर। दृष्टि नीचे कर दासी पुत्र। क्या कर रहा है गरुड़, नीचे कर ले अपनी दृष्टि। दृष्टि नीचे कर। ऋषि कश्यप आपका और विंता का पुत्र महाबलवान महाबुद्धिमान होगा, आकाश का इंद्र कहलाएगा वो, और भूमि पे रहने वाले उसे किसी भी प्रकार की हानि नहीं पहुंचा पाएंगे। महारानी, आप सब मेरे अग्रज हैं, मेरे दुर्व्यवहार के लिए मुझे क्षमा करें। माँ, आप बड़ी हैं और आपको डराकर इन्होंने भी आपके साथ अनुचित व्यवहार किया है, क्षमा तो इन्हें भी मांगनी चाहिए ना आपसे। माँ, महारानी के पुत्रों से क्षमा की मांग करने का दुस्साहस, ये सब तेरे स्वामी है। जब तक तू सेवक और स्वामी के संबंध की मर्यादा का पालन करना नहीं सीख जाता, तब तक इस महल के बाहर घुटनों के बल बैठा रहेगा। आकाश की ऊंचाइयों में उड़ना तो दूर, भूमि पर चलने का भी अधिकार नहीं होगा तुझे। महारानी, मेरे पुत्र को इतना कठोर दंड मत दीजिए, वो नादान। यदि इसने मेरे आदेश का उल्लंघन किया और एक पंख भी हिलाया तो दंड इतना भयानक होगा कि तेरे लिए उसकी कल्पना करना भी आसानी होगा। स्मरण रहे,